देखो सबसे पहले हम समझ लेते हैं इसके कौन से पार्ट को क्या बोलते हैं। हालांकि पीछे पिछली क्लास में मैं जो है थोड़ा बहुत इसके बारे में इंट्रोडक्शन वीडियो एक दिया था जिसमें मैंने इसके पार्ट्स के बारे में बताया था। आज हम मेजरमेंट सीखेंगे कैसे मेजर करते हैं। जैसे पॉइंटर जो है इसमें किधर को भागा हुआ है, बाई तरफ को, तो पॉइंटर जिस तरफ को जाएगा आगे की तरफ भागेगा, जिस तरफ को भागेगा उधर का वेट कम माना जाता है। तो इस समय पॉइंटर किधर है, लेफ्ट साइड में, यानी लेफ्ट साइड का वेट क्या है, कम है। तो अब वेट को कैसे ठीक करेंगे कि भाई इधर का वेट कम है इधर का वेट ज्यादा है। जैसे हम लोग वजन करते हैं तो पलड़े क्या होते हैं, ऊपर नीचे होते हैं, तो जिधर का पलड़ा नीचे होता है उसको भारी मानते हैं, जिधर का ऊपर होता है उसको क्या मानते हैं, हल्का। तो इसमें भी पॉइंटर जिधर को भागेगा, जिस साइड में भागेगा उस साइड का पलड़ा क्या माना जाता है कि हल्का है। तो उसको बराबर कैसे करेंगे, एक इधर साइड में और एक इधर साइड में स्क्रू है, इस स्क्रू को घुमा करके अगर हम इस स्क्रू को बाहर की तरफ घुमाते हैं बाहर, तो इससे वेट बढ़ता है, और अगर स्क्रू को अंदर की तरफ घुमाते हैं पिलर की साइड में लेके जाते हैं तो इसका मतलब होता है कि वेट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो अगर किसी पलड़े का वजन बढ़ाना है तो स्क्रू को कहां ले जाएंगे, बाहर। इधर का वेट बढ़ाना है तो स्क्रू को कहां ले जाएंगे, बाहर। और दो में से किसी भी साइड में अगर हमको वेट पलड़े का कम करना है तो स्क्रू को कहां ले जाते हैं, अंदर की साइड में लेके जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम मेजरमेंट के लिए क्या चेक करने जा रहे हैं, हम पहले ये देखेंगे कि क्या ये बराबरी में रखा है, यानी हो सकता है फर्श जहां पे हम खड़े हैं ये ऊपर नीचे हो, या मेज जो है ऊपर नीचे हो, या ये कोई तिरछा रखा हो। तो सबसे पहले तो इसको बराबर में लाना कंपलसरी है, तो पहले देखते हैं बराबरी में है या नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए इधर साइड से देखिएगा, पहले देखते हैं कि लट्टू जो है वो लट्टू के बिल्कुल ऊपर आता है कि नहीं। अभी ये नॉब जो है, ये जो आपका पॉइंटर है, नीचे वाले पॉइंटर के ठीक ऊपर नहीं है, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा, उसको घुमाकर इसे सेट कर लेंगे ताकि पॉइंटर दूसरे पॉइंटर के बिल्कुल ऊपर आ जाए। देखिए अब ऊपर वाला पॉइंटर जो है नीचे वाले पॉइंटर के बिल्कुल ठीक ऊपर आ गया है, दोनों एक सीध में है, यानी कि इसका मतलब है कि अब जो आपका फिजिकल बैलेंस ये है ये बिल्कुल बराबरी में रखा हुआ है सही से। तो देखिए अब हमने क्या किया है, पॉइंटर को बिल्कुल सीध में कर दिया है, सरफेस को हमने लेवल कर दिया है, बराबर कर दिया है। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, पैन को देखेंगे कि पैन बराबर है नहीं, तो पैन बराबरी में है या नहीं ये कैसे पता चलेगा, हम क्या करेंगे यहां से अरेस्टिंग नॉब को ऊपर की साइड में घुमाएंगे। देखिए ऊपर उठ गया, और ऊपर उठने पर हमको क्या पता चल रहा है कि ये पॉइंटर जो है किधर भाग रहा है, लेफ्ट साइड में, यानी जिधर पॉइंटर भागेगा लेफ्ट साइड में उस साइड का वेट क्या है, कम, और उधर साइड का वेट ज्यादा हो गया, इसीलिए इसका पलड़ा क्या है, नीचे, ठीक है। तो वेट बराबर हो नहीं पा रहा है, तो हम क्या करते हैं, जो वेइंग ट्यूब है जिसमें किसी सब्सटेंस को रख करके हम लोग क्या करते हैं, वेट करते हैं, तो इस वेइंग ट्यूब को अपने लेफ्ट साइड के पैन पर हम रखे दे रहे हैं, ठीक। देखते हैं क्या फर्क पड़ता है, क्या हुआ, पॉइंटर किधर चला गया, राइट साइड में, और राइट साइड में जाने का मतलब है कि उधर का वजन हल्का है इधर का वजन ज्यादा है। अच्छा आपने देखा होगा कि जैसे हम लोग कहीं दुकान वगैरह पे शॉप पे जब कोई मटेरियल लेने के लिए जाते हैं और तराजू बराबर नहीं होता है, तो दुकानदार क्या करता है, जिधर का हल्का तराजू है उधर कुछ रख देता है, कोई बांट रख दिया या कोई मटेरियल थोड़ा सा रख दिया ताकि बैलेंसिंग आ जाए। तो अब हम यही सेटअप बनाएंगे, यही थोड़ा सा जुगाड़ लगाएंगे, क्या ये हमारा है बांट बॉक्स, देखिए वेट बॉक्स, इसमें होता क्या है, ये आपको यहां पर कई सारे वेट दिए गए हैं, स्टैंडर्ड वेट, ये आपका 100 ग्राम का है, ये आपका 50 ग्राम का, 20 ग्राम का, 20 ग्राम का, उसके बाद में ये आपका 10 ग्राम का आता है, फिर 5 ग्राम का आता है, ये दोनों आपके जो है ये 2 ग्राम के हैं, और ये आपका 1 ग्राम का है। तो अब हम क्या करते हैं, यही जुगाड़ लगाएंगे, और इस साइड में राइट साइड में जिधर वेट कम था तो इधर हम क्या करते हैं, कोई वेट रखे ले रहे हैं, ठीक है। ये 1 ग्राम का जो बांट है इसको हम राइट साइड में रखते हैं, देखते हैं क्या कुछ फर्क पड़ा, नहीं, अभी भी उधर वेट क्या है, हल्का है। तो हम 1 ग्राम की बजाय कोई दूसरा रखते हैं वेट, थोड़ा हैवी, जो अभी हम 2 ग्राम का वेट जो है इसको रखते हैं, देखते हैं, ठीक है, 2 ग्राम का बांट रख दिया है, अब देखते हैं वेट पे क्या प्रभाव पड़ता है।
अब असर आया। ध्यान से देखिएगा, ये जो पॉइंटर है ये अब इस स्केल पे क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, और ये पॉइंटर बीच में नहीं है, थोड़ा सा राइट में जाता है फिर थोड़ा सा लेफ्ट में आता है। हमारे दोनों पैन बराबर में तब माने जाएंगे जब ये पॉइंटर बिल्कुल बीचों बीच में हो, और अगर बीच में नहीं है और मूवमेंट कर रहा है तो बिल्कुल जितना राइट साइड में जा रहा है उतना ही लेफ्ट साइड में आ रहा है। जो आपकी स्केल है उसमें बीच की जो लाइन आती है उसके जितना पॉइंट इधर जा रहा है पॉइंटर, उतने ही पॉइंट इधर जाना चाहिए, बराबर बराबर दूरी, तब हम जानेंगे कि पैन हमारा बैलेंस है। तो देखते भाई, देखिए इसमें पॉइंटर कहां पे कितना है, इस वाली सॉरी देखिए पॉइंटर जो है राइट साइड में जा रहा है बिल्कुल लास्ट तक, किनारे तक, और जब ये पॉइंटर लेफ्ट में आता है तो बिल्कुल किनारे तक नहीं जा रहा है, यानी राइट साइड में थोड़ा ज्यादा जा रहा है। तो राइट साइड में पॉइंटर बहुत ज्यादा जा रहा है, इसका मतलब वजन किधर कम है, राइट साइड में। तो राइट साइड का हमको वजन थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। देखते हैं, तो स्क्रू से जो बैलेंसिंग सॉरी ये जो बैलेंसिंग स्क्रू था इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ लेके जाएंगे। अब देखते हैं क्या होता है, पॉइंटर देखिएगा लेफ्ट में गया, उसके बाद में देखिए राइट में कितना जाता है, लेफ्ट में कितना जाता है, देखिए कहिएगा। लेफ्ट में ज्यादा जा रहा है, यानी वजन लेफ्ट का कम हो गया है और इधर का वजन ज्यादा है, तो थोड़ा सा हम इधर क्या करेंगे, वजन कम करेंगे। इतना इजी नहीं होता है बैलेंस करना। चलिए देखिए पॉइंटर को फिर से, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर पॉइंटर को ध्यान से देखिए कि ये बीच वाली लाइन के कितना लेफ्ट में जा रहा है और कितना राइट में जा रहा है। इस समय हमारा पॉइंटर जो है बिल्कुल मिड लाइन जो है उसके जितना राइट साइड में ऑसिलेट हो रहा है उतना ही लेफ्ट साइड में ऑसिलेट हो रहा है, यानी हमारा जो बैलेंस है, जो पैंस है वो बिल्कुल बैलेंस हो चुका है, ठीक है। तो लेफ्ट और राइट दोनों साइड के पैन एकदम एग्जैक्ट बराबर हो चुके हैं। अब देखना ये है कि वेट कैसे किया जाता है। यहाँ पे हम एग्जांपल के तौर पे एक कंपाउंड ले ले रहे हैं ऑक्सैलिक एसिड, तो मैं आपको ऑक्सैलिक एसिड को वेट करना बताऊंगा कि कैसे फिजिकल बैलेंस में या केमिकल बैलेंस में हम ऑक्सैलिक एसिड को वेट करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, बाट बॉक्स में से एक हम स्टैंडर्ड वेट निकाल लेंगे जितना वेट करना है। एग्जांपल हम यहाँ पे 2 ग्राम वेट करने जा रहे हैं, तो 2 ग्राम वेट को हम क्या करेंगे, राइट साइड के पैन पर रख देंगे, क्योंकि वेट हमेशा किधर रखा जाता है, राइट साइड के पैन पर, और सब्सटेंस किधर, लेफ्ट। तो लेफ्ट साइड के पैन पे हमने वेइंग ट्यूब को रखा हुआ है। हम ऑक्सैलिक एसिड को इस स्पैचुला की हेल्प से धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके जो है वेइंग ट्यूब में ट्रांसफर करते रहेंगे। याद रहे कि सब्सटेंस को एकदम से नहीं उड़ेल देना है, अपने थोड़ा सा आइडिया लगा करके थोड़ा थोड़ा अमाउंट ही ट्रांसफ़र करना है, क्योंकि हम पॉइंटर देखते रहेंगे कि पॉइंटर किधर को जा रहा है, किधर वेट कम है, किधर वेट ज़्यादा है, उसके अकॉर्डिंगली जो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इंक्रीज करते जाएंगे। तो ये थोड़ा सा स्पैचुला से ऑक्सैलिक एसिड हम डालते हैं और साथ ही साथ मोमेंट ऑफ पॉइंटर जो है उसे जज करेंगे हम। ये देखिए अरेस्टिंग नॉब को ऊपर किया, पॉइंटर लेफ्ट में जा रहा है, इसका मतलब अभी सब्सटेंस कम है, तो हम थोड़ा सब्सटेंस और इसमें ट्रांसफ़र करेंगे, और ट्रांसफ़र तब तक करते रहेंगे जब तक कि पॉइंटर लेफ्ट साइड को शो होता रहेगा। थोड़ा सा और पड़ेगा, और ये देखिए ये मूवमेंट हुई राइट को, यानी अब पॉइंटर चला गया राइट साइड में, तो यानी कि अब हमारा सब्सटेंस ज़्यादा हो गया है और जो वेट बॉक्स पे वेट था वो कम है, तो हमें थोड़ा सा जो है सब्सटेंस इसमें से कम करना पड़ेगा। स्पैचुला से इजीली थोड़ा सा निकाल लिया। तो इस समय पॉइंटर देखिए लेफ्ट साइड में ज़्यादा है या फिर राइट साइड में ज़्यादा है, ये मिड लाइन के लेफ्ट में ही चल रहा है, और मिड लाइन के लेफ्ट में ही चल रहा है इसका मतलब लेफ्ट साइड में वेट क्या है, कम। तो बहुत थोड़ा सा अमाउंट ऑक्सैलिक एसिड का हम और ऐड करेंगे।
जरा से पार्टिकल्स से भी जो है मोमेंट बढ़ घट रही है। तो हमें यहाँ पर जो है पॉइंटर को देखते रहना है कि वो ग्रेजुएटेड स्केल पे जो लाइंस खींची हुई हैं उनमें मिड लाइन के कितना लेफ्ट को ऑसिलेट होता है, कितना राइट को ऑसिलेट होता है, या तो पॉइंटर बीचों बीच में रुक जाए या फिर पॉइंटर लेफ्ट और राइट बराबर बराबर। अब देखिए यहाँ पर पॉइंटर जो हमारा है बिल्कुल बीचों बीच आ गया है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि मिड लाइन जो है उसके जितना एक पॉइंट राइट साइड में ऑसिलेट हो रहा है उतना ही लेफ्ट साइड में ऑसिलेट हो रहा है। वीडियो में शायद आपको एग्जैक्ट ना पता चल पाए लेकिन इस समय पॉइंटर दोनों ही साइड में लेफ्ट और राइट साइड में बराबर बराबर ऑसिलेट हो रहा है। तो इससे ये पता चलता है कि भाई हम जो 2 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड को वेट करना चाहते थे वो हमारा 2 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड वेट हो गया। ठीक है, तो